जय हिंद मेरे प्यारे सभी नौजवान साथियों को, हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए डी ट्रिप्लेस बी मैथ्स नॉर्मलाइजेशन का मेथड। आप लोगों को ये दिमाग में डाउट चल रहा होगा, सर मेरे मार्क्स इतने हैं तो कितना नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना फ़र्क पड़ेगा। हम बात करने वाले हैं लेस देन 40 टफ शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो 2 तारीख को आई थी, इजी शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो 4 तारीख को 13 तारीख को आई थी, और मॉडरेट शिफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं तो इनके नॉर्मलाइजेशन के बाद कितना फ़र्क पड़ने वाला है। तो मैं आप लोगों को कुछ डाटा दिखा रहा हूँ, ये 200 स्वेंट्स का मान सकते हो आप, ये 100 स्वेंट्स का मान सकते हो। तो इस डाटा के आधार पर हम ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि एक बच्चे का जिसके मार्क्स कितने हैं, मान के चलो आपका 2 तारीख को था पेपर और 2 तारीख को आपका एवरेज आपका सभी स्टूडेंट्स का कितना गया है और आपके कितने मार्क्स है, उसके आधार पे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका स्कोर कितने जाने वाला। बहुत ही ग्रेट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जिनका स्कोर 30 से प्लस है, एक पहली तो एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए ग्रेट न्यूज़ हो सकती है, जिनका स्कोर 30 से कम है उनका भी सिलेक्शन होने के चांस है नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा। दूसरी बात हम आप लोगों को बता दूं, ये फॉर्मूला है किस चीज़ का, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइएस्ट एवरेज शिफ्ट डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टूडेंट करंट शिफ्ट इंटू रो मार्क्स माइनस एवरेज ऑफ सेम शिफ्ट प्लस हाईएस्ट एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट। भाई ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है। आप लोगों ने चाहे 2 तारीख को पेपर दिया है, चाहे 4 तारीख को पेपर दिया है, या जिन गर्ल्स ने 10, 11 और 13 को पेपर दिया है, उन सभी पे फिट बैठने वाला है। और आप लोग अपने नॉर्मलाइजेशन को खुद चेक कर सकते हो कितना मार्क्स बढ़ाने वाली है या कितना मार्क्स घटाने वाली है। यदि मेरे 40 से कम है तो कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, टफ शिफ्ट मेरे 40 से भी कम है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा, और इजी शिफ्ट, और आप लोगों की यदि इजी शिफ्ट थी आप लोगों का 40 प्लस स्कोर है, क्या आपके मार्क्स घटेंगे या आपके मार्क्स बढ़ेंगे, वो सब कुछ देखने वाले हैं। और जो मॉडरेट शिफ्ट आई है, सब में एक जैसे क्वेश्चन आया है, उनके लेवल पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वो सब हम बात करने वाले हैं। तो देखिएगा, हमने लिया, मैं आप लोगों को एक मेथड बता देता हूँ, आप लोगों ने मैसेज स्टडी कर रखी है, आप लोगों का मैथ वाकई में बेहतरीन था, वो हमें पता नहीं था इसके कारण से हमारे मार्क्स नीचे रह गए। बट यदि हमें इस मेथड का पता होता तो हम 40 नहीं 60 प्लस होते, ये तो हमारे लिए, बस हमें इस चीज़ का पता नहीं था। हमने जो प्रीवियस 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पे ज़्यादा फोकस कर रखा था, इसलिए थोड़ा नंबर थ्योरी पड़ी थी, इसके कारण से हम थोड़ा पिछड़ रहे हैं। बट हम जो पिछड़ रहा है वो अब नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं पिछड़ने वाला है, उसके लिए तो एक ग्रेट खुशखबरी होगी। अब देखो भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइएस्ट एवरेज शिफ्ट, भाई तो हमने जिसका एवरेज मान लिया, इजी शिफ्ट वालों का स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कैलकुलेट करने के बाद गिवन डाटा है, आप लोग अपना स्टैंडर्ड डेविएशन अपने शिफ्ट के अनुसार कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो हमने ले लिया 9 भाई, ठीक है, ये कैलकुलेट करने के बाद आप ये 100 स्टूडेंट्स का मान सकते हो, आप ये 200 स्टूडेंट्स का मान सकते हो, आप ये 1000 स्टूडेंट्स का मान सकते हो, जैसा आपका मन करेगा। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टूडेंट करंट शिफ्ट, मान लो आप लोगों 2 तारीख वाले बच्चे हैं या 13 तारीख वाले बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि हमारा तो मुश्किल जा गया, तो उस पॉइंट पे हमने मान लिया आप लोगों की टफ शिफ्ट आई थी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टूडेंट करंट शिफ्ट, तो आप लोगों की 2 तारीख की मान के चलते टफ शिफ्ट थी, आप कौन सी भी जो आपको लगता है ये मेरी आसान शिफ्ट थी, इन बच्चों की आसान शिफ्ट थी, इन बच्चों की कठिन शिफ्ट थी, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो। मैंने कुछ एनालाइज करने के बाद 500 स्टूडेंट्स का 700 स्टूडेंट्स का एनालाइज करने के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन और आप लोगों की ये डाटा कलेक्ट करके आप लोगों को दिया है। देखो भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाईएस्ट एवरेज शिफ्ट, आप इस डाटा पे काम करके भी अपने आप खुद का निकाल सकते हो नॉर्मलाइजेशन, मेरे मार्क्स में कितना बढ़ोतरी होगी या कमी रहेगी या एज इट इज रहने वाला है, ठीक है, गुना रो मार्क्स, ठीक है। तो रो मार्क्स मान के चलते हैं आप लोगों के जो टफ शिफ्ट में आए थे वो 33 प्लस हैं, मान के चलते 30 प्लस हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, मान के चलते 33 प्लस है, 32 प्लस है, कोई 34 प्लस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम रो मार्क्स अपने खुद के हमें पता है कितने मार्क्स आने वाले, वो हम फिलअप कर देंगे। तो रो मार्क्स जो हमारे मार्क्स हैं, तो रो मार्क्स कितना है भाई, 33 माइनस एवरेज ऑफ सेम शिफ्ट, मान लो आपके 33 है और आप वाली सारी शिफ्ट के 33 ही मार्क्स हैं,
जैसे कि कल रीट में हुआ था, सबके एवरेज मार्क्स 120 प्लस है, तो मैं वहाँ कह सकता था यदि नॉर्मलाइजेशन होता तो किस इफेक्ट पे होता, आपके मार्क्स प्लस आपको वाली शिफ्ट के मार्क्स जो एवरेज मार्क्स है, और हमने माना आप वाली एवरेज जो शिफ्ट थी, जो टफ शिफ्ट थी, उसके भी एवरेज मार्क्स कितने हैं, आपके 33 हैं, तो सभी के एक जैसे ही होंगे, तो हमने मान लिया उनके भी कितने हैं, 33 ही हैं, ठीक है ना। ये एनालिसिस के बाद कलेक्ट किया गया डाटा है, प्लस हाईएस्ट एवरेज ऑफ ऑल शिफ्ट, और जो इजी शिफ्ट आई था वो 43 या 45 प्लस रही है, इससे ज़्यादा उनके भी नहीं आए हैं, तो हमने माना है कितना एवरेज 43 भाई। तो एक बात देखने को मिली, 33 में से 33 गया जीरो, जीरो गुना समथिंग जीरो, तो आंसर कितना आया 43। तो एक बात हमारे दिमाग में आ चुकी, जिसके मार्क्स 33 थे उसने कितने का जंप ले लिया, 10 मार्क्स तक का जंप मिलने वाला है, जिसके मान के चलो आप लोगों को यहाँ आप लोगों के मार्क्स 38 से 40 के आसपास होंगे, किसी को 12 मार्क्स का जंप मिलने वाला है, तो आप लोगों को एक बात दिमाग में रख लेना, आप भी भावी अध्यापक बनने वाले हैं जिनके टफ शिफ्ट में कितने मार्क्स आए हैं, 33 या 33 प्लस आए हैं, वो भी उसका भी सिलेक्शन का चांस है। यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहने वाला है, आप लोग खुशियाँ मनाइए, लड्डू बनवाइए और तैयारी कीजिए, आप लोगों का भी सिलेक्शन होने वाला है। तो हमने बताया 33 वाले जो स्टूडेंट हैं उनके बढ़ के कितने हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं लेस देन 40 की, हमने बात क्लियर कर चुके हैं, टफ शिफ्ट लेस देन 40 है, उनके ही मार्क्स जो लेस देन कितना है 40 है, वही तो हमने टफ शिफ्ट में काउंट किया है, तो आप लोगों को पता चल गया जो 33 32 के आसपास है उनके मार्क्स 10 11 12 तक बढ़ने वाले हैं, ठीक है। इजी शिफ्ट का आप स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों ने मैथ से स्टडी कर रखी होगी, आप निकाल भी सकते हो, वैसे भी मैं आप लोगों को ओरली बता देता हूँ, इजी शिफ्ट जिसकी आई थी उसके घटने या बढ़ने के चांस कम है भाई, ठीक है ना, उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक नंबर का फर्क पड़ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ गया, और मॉडरेट में एज इट इज मार्क्स लेने वाले हैं, जिस सभी शिफ्ट मॉडरेट आई थी तो मॉडरेट शिफ्ट का क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, मतलब वही रह जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एजी शिफ्ट वाले पे एक प्लस हो सकता है एक माइनस हो सकता है, और टफ शिफ्ट जिनकी आई थी उन पे 10 नंबर 11 नंबर और 12 नंबर का फर्क पड़ सकता है। तो आप लोगों का जो ये डाउट था, किसी ने कमेंट किया साथ, सर मेरा इतने मार्क्स जा रहे हैं क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप लोगों को बता चला गया, आप लोगों के पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप लोग आसानी से अपना नॉर्मलाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना मार्क्स बढ़ेंगे या कितने मार्क्स घटेंगे। मैंने क्या लिया फिर मैं बता दूं, एवरेज लिया है टफ शिफ्ट वालों के मार्क्स 33 है, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 60 है, और इजी शिफ्ट वालों के एवरेज मार्क्स 43 में लेके चला हूँ, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 9, ठीक है ना, आप लोग इस बात पे काम करके निकाल सकते हो। तो आप लोगों को ये पता चल गया जिनका 32-33 प्लस स्कोर है उनके भी सिलेक्शन होने के चांस बहुत सारे हैं, मैं ये कह सकता हूँ उनका भी सिलेक्शन होने वाला है, वो भी भावी अध्यापक बनने वाला है, तो घबराने की बात है नहीं, आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा, आप लोगों की पोस्टिंग मिलने वाली है दिल्ली के अंदर, फिर हम एक मुलाकात करेंगे। यदि आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है किसी भी पॉइंट को लेके, आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए जय स्वयं।